बिहार के सिकंदरपुर और अखाड़ा घाट के गांवों में इन दिनों बाढ़ का कहर जारी है। नेपाल और तराई क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश के कारण बूढ़ी गंडक नदी का पानी तेजी से बढ़ रहा है और इन निचले इलाकों में प्रवेश कर चुका है। इस संकट के चलते करीब 500 घरों पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। जिला आपदा विभाग के अनुसार दो दिन पहले गंडक बराज से 4 लाख क्यूसेक पानी डिस्चार्ज किया गया था, जिससे नदी का जलस्तर अचानक बढ़ गया। अब बूढ़ी गंडक का पानी आसपास के सटे इलाकों और मोहल्लों में प्रवेश कर गया है, जिससे लोग पलायन करने की सोच रहे हैं। आज सुबह से जल स्तर तेजी से बढ़ने लगा है और बाढ़ प्रभावित लोग बड़े पैमाने पर देशी जुगाड़ से बनी नाव का इस्तेमाल कर रहे हैं। थर्माकोल और डिब्बे से बनी इन नाव को मजबूत बनाने के लिए उन्हें पॉलिथीन या प्लास्टिक की शीट से कवर किया गया है। पानी बढ़ रहा है, कितना दिक्कत हो रहा है? बहुत दिक्कत है। क्या क्या दिक्कत हो रहा है? बच्चा सब स्कूल बंद है, काम धंधा बंद है और कथी रहेगा। घर में पैक रहते हैं बच्चा सबके, डरे लेके कि पिलवा पता ही है घुस जाएगा, काट उठ लेगा तो कथी करेंगे, यही सब दिक्कत है। तो अब पानी भर गया तो क्या करेंगे? चल जाएंगे दूसरा जगह खाली करके। क्या नाम है? चिंकी कुमारी। वही स्थानीय महिला चिंकी कुमारी बताती है कि हम लोग दहशत में जी रहे हैं और बाढ़ की स्थिति बनने से सांप बिच्छू और अन्य जीवों का खतरा बना हुआ है। बच्चों का स्कूल भी प्रभावित हुआ है और उन्हें स्कूल जाने से रोक दिया गया है। कुछ दिनों से काफी दिक्कत हो रही है, पानी बढ़ने लगा है। कितनी परेशानी है? बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं हम लोग। कब से पानी बढ़ना शुरू हो रहा है? ऐसे तो पानी 3-4 दिन से बढ़ रहा है, आज ज्यादा बढ़ रहा है पानी। हाँ ऐसे, हाँ घर वगैरह डूब रहा है, घर समझिए ना, घर में पानी चला गया, नैया से आ रहा है, फोम का नैया बनाए हुए हैं खुद से। नहीं कुछ नहीं है सर। तो जैसे पानी बढ़ने लगा है तो आप क्या सोच रहे हैं? सोच रहे हैं हम लोग को कुछ सुविधा मिले ताकि हम लोग बच्चा उच्चा है सब के लेकर के आराम से रहे, कमा खा सके। स्कूल भी जाते होंगे? बंद है, बच्चा नहीं जा रहा है स्कूल पानी की वजह से। क्या नाम हुआ? प्रवीण कुमार। वहीं स्थानीय प्रवीण कुमार बताते हैं कि यहां करीब 2 दर्जन से अधिक घर अभी तक पानी में डूबे हैं और हमारे आने जाने के लिए थर्माकोल की नाव के अलावा कोई दूसरा साधन नहीं है। बाढ़ की इस विकट स्थिति में स्थानीय लोग अपनी सूझबूझ से जुगाड़ की नावों का सहारा लेकर अपना जीवन बचाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि प्रशासन की ओर से अभी तक नाव का प्रबंधन नहीं किया गया है, लेकिन उम्मीद है कि जल्द ही राहत और बचाव कार्य तेजी से शुरू किया जाएगा। लोकल 18 के लिए मुजफ्फरपुर से ऋतुराज की रिपोर्ट।